ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग CBSE क्लास 9 बायोलॉजी का टिश्यू पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। बाकी का पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये हम लोग का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नर्वस टिश्यू वो टिश्यू है जो कि नर्व्स में पाया जाता है, और नर्वस टिश्यू का जो सेल्स है दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स। ओके, न्यूरॉन्स बहुत सारा जुड़कर ही नर्वस टिश्यू फॉर्म कर रहा है। अब नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, मतलब न्यूरॉन्स का, ये क्या करता है, स्टीमुलस को ट्रांसमिट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर। अब स्टीमुलस क्या चीज़ है, स्टीमुलस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम लोग का बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। अब सपोज़ अगर हम लोग कोई भी हॉट सब्सटेंस को अगर छूते हैं, ठीक है, अगर टच करते हैं, तो जब हॉट सब्सटेंस को टच कर रहे हैं तो हम लोग को पता चल रहा है कि वो हॉट है। क्यों? क्योंकि हम लोग का फिंगर में जो नर्व सेल्स है वो क्या कर रहा है, इस स्टिमुलस को ट्रांसमिट कर रहा है फिंगर से ब्रेन तक, जिससे हम लोग को पता चल रहा है वो हॉट है और हम लोग अपना हाथ को हटा लेंगे। तो इसी को स्टिमुलस बोला जा रहा है, एक ऐसा रिस्पॉन्स। अब यही स्टिमुलस को जो ट्रांसमिट कर रहा है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या कर रहा है, इस स्टिमुलस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑफ द बॉडी में ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये जो स्टिमुलस है, मतलब ये जो ट्रैवल कर रहा है, इस सिग्नल को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ओके, मतलब इम्पल्स ही क्या हो रहा है, ट्रैवल होके ब्रेन तक पहुँच रहा है। अब ये नर्व सेल का हम लोग का डायग्राम है, इसको आप लोग को याद करना ज़रूरी है। तो नर्व सेल्स में पहला जो पार्ट है, न्यूरॉन का पहला जो पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। ये वाला पार्ट को आप देख सकते हैं, इसको सेल बॉडी बोला जाता है, ये दिस पार्ट, इसको सेल बॉडी बोला जाता है। सेल बॉडी और आप साइटोन भी बोल सकते हैं। इस सेल बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। अब यही सेल बॉडी एक्सटेंड होके नीचे तक जा रहा है। ओके, तो ये जो एक्सटेंड होके जा रहा है इस पार्ट को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, इसको एक्सॉन बोलते हैं। और ये कवर्ड है कुछ माइलिन सीथ से, कुछ फाइबर से कवर्ड है, जिसको हम लोग माइलिन सीथ बोलते हैं। वो माइलिन सीथ बीच बीच में गैप शो कर रहा है, जिस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रेनवेट। ओके, और एक्सॉन का एंड में, ये जो एंड है इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर रहे हैं। साइटोन ब्रांच्ड होके ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रहा है, जिसको हम लोग डेंड्राइट बोलते हैं। ओके, तो ये सब स्ट्रक्चर्स है जो कि न्यूरॉन में, आपको ये स्ट्रक्चर बस याद करना होगा। तो यही था हम लोग का नर्वस टिश्यू। तो इसी से हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।